दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट को बहुत आसानी से अपने मोबाइल में रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपकी मोबाइल में 8-10 ईमेल आईडी हो जाती हैं, लेकिन यार आपको पता ही नहीं होता है कि ईमेल आईडी को कैसे डिलीट करें, कैसे रिमूव करें। दोस्तों देखिए दो चीजें होती है, रिमूव करना अलग बात होती है, डिलीट करना अलग बात होती है। डिलीट कर देंगे तो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा, लेकिन रिमूव करेंगे ना तो दोस्तों उसको कभी भी बैकअप किया जा सकता है। तो क्या दोस्तों आपके मोबाइल में जो जीमेल है बहुत ज्यादा, मतलब आपने 8-10 बना लिए हैं, तो आप अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो यार ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल जीमेल मुक्त हो, मतलब जो खराब खराब जीमेल आईडी हो एकदम आपके मोबाइल में न हो, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पे नए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कोई भी ईमेल आईडी को रिमूव करना बहुत ही आसान तरीका है यार, देख लीजिए आप, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी खोल लेंगे मोबाइल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी मोबाइल जैसे ही ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, आपको जीमेल में, मतलब आप अपना जीमेल जो अकाउंट्स है उसे रिमूव करना चाहते हैं अपनी मोबाइल में। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप जीमेल में जाएंगे ना तो जहाँ से ईमेल भेजा जाता है सबको, जहाँ से आपकी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पर कहीं नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे आपका लोगो नहीं लगा है, जो जीमेल का लोगो होता है आपको उस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी जीमेल्स आईडी आपकी यहाँ पे ईमेल जीमेल आईडी यहाँ पे आ जाएंगी। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, जिस पे लिखा है दोस्तों मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, आपको क्या करना है उससे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी सारी जीमेल आईडी दिखाई दे देंगी। तो दोस्तों देखिए क्या पता स्क्रीनशॉट में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों मतलब जिसको भी आपको रिमूव करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मुझे ये वाली रिमूव करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिमूव अकाउंट लिखा है, तो आप क्या करेंगे रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाके दोस्तों, तो आपको रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा है रिमूव दिस अकाउंट डिलीट फॉर ऑल द मैसेज, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपका कॉन्टेंट सबको डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान से रिमूव करिएगा, क्योंकि आपने इसमें कभी कभी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पे ड्राइव में रख देते हैं तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो ध्यान से करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे इसको रिमूव कर लेंगे, तो रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे दोस्तों आपकी जो ये जीमेल है यहाँ पे पूरी तरह रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे करके आप जितनी भी जीमेल आईडी हो ऐसे करके आप बड़ी आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर जो नहीं समझ में आता फिर से बताता हूँ, जहाँ लोगो है उस पर टच करिएगा। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेज अकाउंट से उसको टच करिएगा, उसके बाद जो भी ईमेल आईडी से आपको रिमूव करनी है उस पर टच कर लीजिएगा। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिमूव वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों है ना इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।